मेरे परिवारजनों, आजादी के इतने दशकों के बाद आज देश में कोई भी गरीब है तो उसके लिए अगर गुनहगार कोई है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। तो भैया देखा, जैसे बिना नमक सब्जी सुनी, वैसे बिना कांग्रेस का नाम लिए बीजेपी वालों का दिन सुना। खुद के लिए किए गए वादे सब कलरफुल से हो गए सादे, लेकिन वो सब याद नहीं, और हर बार रोते हैं केवल 60 साल का रोना, और इसी चक्कर में लोगों का बिक रहा है भगवना। ललन भैया, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपने काम से काम रखना, और ये गुड़ जुमला पार्टी वालों में कूट कूट कर भरा है, क्योंकि ये काम कम और चुगली ज्यादा करते हैं। जो कम करने आए थे महंगाई और लगाने आए थे रोजगार का मेला, वही लगवा रहे हैं आज लोगों से पकौड़े का ठेला। गजब बेइज्जती है दोस्तों। पहले कहते थे हमारी सरकार बनेगी तो महंगाई धरती छोड़ भाग जाएगी, नौकरी करने के लिए लोग कम पड़ जाएंगे, काला धन आएगा, लोगों को 15-20 लाख यूं ही मिल जाएंगे। लेकिन अब चल रहा है केवल मित्रों का अमृत काल, और बाकी देश की जनता हो गई है कंगाल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा। वैसे दोस्तों, एक अंदर की बात बताऊं, मुझे तो लगता है ये वो लोग थे जो महंगाई बेरोजगारी से परेशान हैं और जुमला सुनते सुनते बोर हो चुके हैं, क्योंकि इन सब चीजों पर अब जुमला पार्टी वाले कोई रोड शो नहीं करते। वैसे भैया शुक्र है किसी ने चौकीदार चोर है का नारा नहीं लगाया।